महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर लंबी चली राजनीतिक कवायद के बाद बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही और अब बीजेपी को ही बगावती तेवर दिखा रही शिवसेना सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। महाराष्ट्र के इस सियासी ड्रामे में अब सारी नजरें कांग्रेस पर जा टिकी हैं। हालांकि कांग्रेस के रुख पर भी सस्पेंस जारी है। जहां पहले खबर आ रही थी कि कांग्रेस ने शरद पवार से बात कर शिवसेना को समर्थन देने का मन बना लिया है, वहीं अब कांग्रेस के खेमे से खबर आ रही है कि वो इस मामले में एनसीपी के साथ और चर्चा करना चाहती है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अपने नेताओं की बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उसे अभी एनसीपी के साथ और चर्चा की जरूरत है। Already discussed with working committee members and also our PCC president and other leaders and our AICC president also spoken to Sharad Pawar ji and further discussion will take place tomorrow in Bombay or further whatever arrangement we have to make that we will talk. वही शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और अन्य नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सरकार गठन के लिए दो दिनों का वक्त मांगा। हालांकि राज्यपाल ने शिवसेना को और वक्त देने से इनकार कर दिया। साहब का खत आया, उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंग देने के लिए दो दिनों की हमें मुदत चाहिए थी, वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम ये जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है वो नित्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। इससे पहले शाम को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। वही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच सरकार गठन की शर्तों और सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई। इसके बाद सोनिया गांधी ने जयपुर के रिजॉर्ट में रुके अपने सभी 44 विधायकों से बातचीत की है। इस बातचीत में लगभग सभी विधायकों ने शिवसेना को समर्थन देने की वकालत की है और साथ ही कहा है कि कांग्रेस को सरकार में शामिल भी होना चाहिए। चर्चा है कि अगर तीनों पार्टियों के बीच साथ चलने को लेकर सहमति बनती है तो अगली चर्चा सरकार के स्वरूप को लेकर होगी। खबर है कि सरकार में 4 महत्वपूर्ण पद हैं, इनमें सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर और गृह मंत्री का पद शामिल है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना 5 साल के लिए सीएम पद संभालेगी और वहीं कांग्रेस विधानसभा स्पीकर का पद ले सकती है। हालांकि कांग्रेस का रुख साफ न होने की वजह से शिवसेना के सरकार बनाने के रास्ते में रुकावट जरूर आ रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।